इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर दलित समाज को गाली देने वाले ने अब माफी मांग ली है। उन्होंने कहा, मैंने काफी ज्यादा नशा किया हुआ था। संदीप का कहना था, कैथल के नरड़ गांव का रहने वाला ये संदीप है, अमेरिका में बैठकर दलित समाज को इसने गाली दी थी। सोशल साइट पर लाइव आकर संदीप ने ये गाली दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में ये अपडेट सामने आया है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले कैथल के नरड़ गांव के रहने वाले संदीप उर्फ मीपा ने गाली गलौज की थी सोशल मीडिया के माध्यम से। और अभी बताया जा रहा है कि उसने माफी मांग ली है। ये अभी ताजा वीडियो उसके द्वारा शेयर किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने शराब का सेवन किया हुआ था, मैं काफी ज्यादा नशे में था और मैं कुछ भी बोल गया। ये आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लोगों का आक्रोश है। राम राम भाई, सारे लड़ ले भाई ना। तो मेरा उसे गल्ला मैटर था भाई, जिस थी मेरा था गाली दे ही थी, जो मेरा लाई मैगा गाली देवा था सारे जाटा था छोटू राम था। तो मैंने सिर्फ उसे बंदा था कहा था भाई, चल मैं थोड़ा मोटा नशा कर रहा था भाई ना, तो मैंने वाल्मीकि समाज था चमार समाज था मैंने वापिस गाली दे दी भाई, ठीक से। तो मेरा पूरा वाल्मीकि समाज था पूरा चमार समाज था, किसी गला कोई बैर विरोध नहीं है भाई। तो उसकी मैं तो दे थी भाई, चल मेरा पे भी गुस्सा में भाई था ना, पता है जो कोई देवा तो गुस्सा में लिगड़ जाए। तो मैं सारे भाइयों का भाई वाल्मीकि समाज भीम समाज, तो सारे भाइयों का भाई आए कहूँ किसी गला को मेरा वो नहीं है। और चलो भाई, मैंने बहू बेटिया की गलत गाली दे दी है ना, तो मैं माफी मांगू मेरे भाई थारा भाई, ठीक सा भाई। तो किसी गला सारे की बाण बेटी एक समान हो है भाई, तो मेरा पे लिख रही है भाई ना सामू उसकी मैं तक कह दिया, मैंने उस तक कह दिया। और जो भी है भाई इबा अपना एरिया का भाई सुरेंद्र क्यों है भाई, उसका नाम ले लिया भाई, भाई सुरेंद्र क्यों के बंदे हैं, उन्हें तो सदा मेरे भाई गरीबा की सेवा कर रही है, गरीबा की छोरी भी आई है भाई उसकी सदा, तो उसका तो इस चीज में कोई मैटर नहीं है मेरे भाई, चल मारा वर्गे नाम ले ले हैं भाई, ठीक से। तो यह बात है मेरे भाई, उसका तो थारा भाई ना माफ कर दियो भाई, जवाब भाई। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। कुछ दिन पहले कैथल के नरड़ गांव के रहने वाले संदीप उर्फ मीपा गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर दलित समाज को गाली दी थी। उसने वीडियो में बताया था कि वो अमेरिका में बैठा हुआ है। संदीप का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, तो बड़ी संख्या में लोग कैथल के लको सचिवालय पहुंच गए, प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस से कार्रवाई की मांग भी उनके द्वारा की गई। पुलिस संदीप का पता लगा ही रही थी कि संदीप का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। संदीप ने इस बार वीडियो जारी करके माफी मांगी है। उसने कहा कि जिस वक्त उसने सोशल मीडिया पर दलित समाज को गाली दी, वो काफी नशे में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या दलित समाज संदीप उर्फ मीपा गैंगस्टर को माफ कर पाएगा, क्योंकि जितनी गंदी भाषा में उसने बातचीत की थी उससे समाज के लोग काफी आहत हैं। संदीप के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस लगातार उसको पकड़ने की कोशिशें भी कर रही है। तो अब ये नया बयान सामने आ चुका है संदीप का, जिसमें वो माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि जो लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और सीधे तौर पर रैली निकाले गए, आक्रोश व्यक्त किया गया, क्या वो संदीप को माफ कर पाएंगे? तो संदीप ने नया वीडियो जारी करके माफी तो मांग ली है, लेकिन संदीप ने पहले तीन वीडियो बनाए थे और तीनों ही वीडियो में उसने गालियां दी थी। उन वीडियोस में संदीप अमेरिका में होने के बाद भी स्वीकार कर रहा था। आपको संदीप के दोनों वीडियो दिखाते हैं और एक वीडियो उसने माफी मांगने का और बनाया है गाली देने का भी दूसरा वीडियो है, देखिए। सारे लड़ले भाई ना, तो मेरा उसे गल्ला मैटर था भाई, जिस थी मेरा था गाली दे थी, जो मेरा लाई मैगा गाली देवा था सारे जाटा था छोटू राम था। तो मैंने सिर्फ उसे बंदा था कहा था भाई, चल मैं थोड़ा मोटा नशा कर रहा था भाई ना, तो मैंने वाल्मीकि समाज था चमार समाज था मैंने वापिस गाली दे दी भाई, ठीक से। तो मेरा पूरा वाल्मीकि समाज था पूरा चमार समाज था, किसी गला कोई बैर विरोध नहीं है भाई। तो उसकी मैं तो दे थी भाई, चल मेरा पे भी गुस्सा में भाई था ना, पता है जो कोई देवा तो गुस्सा में लिगड़ जाए। तो मैं सारे भाइयों का भाई वाल्मीकि समाज भीम समाज,
तो सारे भाई आदा भाई आए कहूं किसे गला को मेरा ओ नहीं। और चल भाई मैंने बहु बेटियां की गलत गाली दे दिया ना। कैथल के एसपी शशांक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये सीधे तौर पर संदीप माफी मांगता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार पुलिस इसको ढूंढ भी रही थी, तलाश भी कर रही थी। अब क्या जो माफी मांगी गई है, कार्रवाई नहीं होगी क्या? जैसा कि आपको पता है कि त्रिक्रम थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो माफी ये मांगते थे इससे, चलो समाज में जो टेम्पल्स फ्लेयर अप हो रहे थे उसको टेम्पल्स डाउन करने में थोड़ी सफलता मिलेगी। बट माफी जो है वो तो अदालत देती है, जो क्योंकि ऑलरेडी केस रजिस्टर हो चुका है। हम तो यही चाहते हैं कि हमने 36 बिरादरी से हमने यही आग्रह किया है कि आप लोग आपस में शांति बनाए रखें, और जो कानून है वो अपनी कार्रवाई करते रहेगा। तो मैं भी अभी इसी पे स्टैंड कर रहा हूँ, हमारी जो अपनी कानूनी कार्रवाई है वो चल रही है। अगर ये अमेरिका में बैठा है तो किस रास्ते से गया, कैसे गया, क्या वो हम जो सेंट्रल एजेंसी से उनके हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हैं, और जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बाद उनकी अगर यहाँ पे किसी से मिली भगत होगी जो यहाँ पे रहकर उनकी सहायता कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, सीधे तौर पर कोई शख्स अमेरिका चला जाता है, वहां से गाली गलौज करता है और कहता है कि मुझे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इस पर और ज्यादा सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती दे रहा था वो? नहीं, ऐसा नहीं है, वो है तो धरती पे ही, तो ऐसी बात नहीं है। वो किसी भी देश में बैठा हो, अगर वो जो वो गाली दे रहा है वो अपराध किसी भी धरती में वो अपराधी होता है, तो यहाँ क्या वहाँ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो हम सारे एविडेंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि अभी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं हो पाई है, जो सोशल मीडिया की वेबसाइट है उनसे भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, और जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उनसे ट्रैवल डिटेल्स मांगे गए हैं, पासपोर्ट ऑफिस से हमने उसके पासपोर्ट के डिटेल्स ले लिए हैं। लेकिन सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा आप संदीप पे? सामाजिक भावनाओं को, जो ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसके धारा 294 है, उसमें दर्ज हुआ। और जैसा कि इसने बहु बेटियों की गाली देनी थी तो उसके अंदर भी उसकी धारा भी लगी है। और जैसे इन्वेस्टिगेशन पे और भी सारी चीजें निकल के आएंगी कि अगर वो किस माध्यम से अमेरिका गया है, सही माध्यम से गया है कि गलत माध्यम से गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हैं। उसके बाद और भी कुछ धाराएं जुटनी होगी तो जुटेगी। मेरा आपके माध्यम से सभी से अपील यही करना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है कि उसने माफी मांगा है सबसे, जिससे कि समाज में शांति बने रखे, और वो किसी भी समाज के लोग हो जो उसके वीडियोस वायरल कर रहे हैं वो भी अपने आप में कानूनन जुर्म है, क्योंकि आप ऐसे वीडियोस वायरल करके आप लोगों को में रोष फैलाते हैं जिससे कि कुछ घटना होने की संभावना बढ़ती है। तो ऐसे वीडियोस को वायरल ना करें। जितना वायरल करते हैं उतना तूल मिलता है, उसको बल मिलता है, और वो ऐसे हरकतें और करता है। तो बेस्ट वे टू हैंडल सच काइंड ऑफ पीपल इज कि आप उसको इग्नोर करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास लाएं, बाकी हम कानूनी तौर पे उस पर जो कार्रवाई का आश्वासन आप दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। निश्चित तौर पर इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई होगी और बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो। जोगिंदर हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ। जोगिंदर, काफी ज्यादा रोष समाज के लोगों में देखने को मिला था, हालांकि संदीप ने माफी मांग ली है, लेकिन अभी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नलिनी, जिस तरह से जो एसपी शशांक कुमार साहू ने भी बताया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और छानबीन चल रही है, हालांकि वो अमेरिका में बैठा है, और सोशल साइट पर जिस तरह से उसने वीडियो वायरल की है जिसमें आपत्तिजनक जो वीडियो उसने जो उसने जारी किया है, कहीं ना कहीं उससे एक समाज को जरूर ठेस पहुंची। और एसपी शशांक कुमार साहू भी यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की जो वीडियो है उसको वायरल ना करें, उसको शेयर ना करें, और इससे बढ़ावा मिलता है क्राइम को। तो कहीं ना कहीं एसपी ने शशांक कुमार साहू ने ये भी लोगों को आश्वासन दिया है कि जो समाज के लोग हैं जल्द कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। हालांकि इसने माफी जरूर मांगी है, माफी जो नई वीडियो जो वायरल उसने की है संदीप और मीपा है अमेरिका से, जो उसने माफी मांगते हुए साफ कहीं ना कहीं वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को जो ये नई वीडियो जो जारी की है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जो वीडियो इस तरह की जो वायरल की जाती है उससे कहीं ना कहीं जातीय दंगा भड़कने का संभावना रहती है। तो एसपी शशांक कुमार साहू ने भी यही अपील लोगों से की है कि आगे इस तरह की वीडियो शेयर ना करें। लेकिन ऐसे कई और लिंक्स है संदीप की जिनको खंगालने की जरूरत है कि कौन अपलोड कर रहा है, कौन दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जोगिंदर कुंडू तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। संदीप के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों में गुस्सा भी दिख रहा है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी तादाद में लोग कैथल के लघु सचिवालय पहुंच गए थे और उपायुक्त से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब संदीप ने माफी मांगकर अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की है। ये हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले उसने लाइव आकर गाली दी थी, जिस पर उसका कहना है कि वो नशे की हालत में था और इसलिए वो कुछ भी बोलता चला गया, जिसके बाद दंगा भड़क गया, लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है।